हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, सबसे पहली वीडियो में यार स्वागत है आप लोगों का। तो गाइस यार, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा। मैं हूँ एक क्यूट 5 साल का छोटा सा बच्चा। और गाइस यार, मैं आया हूँ फ्रैंकलिन भैया के घर पर। ये फ्रैंकलिन भैया है जो की मेरे काफी अच्छे दोस्त है, और मेरे काफी अच्छे भैया भी। ये एक्चुअली मेरे दूर के रिश्तेदार लगते है यार। तो फ्रैंकलिन भैया, क्या कर रहे हो यार आज के दिन? आप यहाँ पर अपने स्विमिंग पूल में फिशिंग चल रही है क्या? अरे कुछ नहीं यार सिंचन, बस थोड़ी बहुत यार फिशिंग करने निकला था यार सुबह सुबह। अरे फ्रैंकलिन भैया, सुबह सुबह फिशिंग करने निकले तो, लेकिन स्विमिंग पूल में फिशिंग कौन करता है यार? अरे कुछ नहीं यार, 2-4 मछलियाँ खरीद के लाया था बाहर से, वही मैंने स्विमिंग पूल में डाल दी, उनको ही वापस से पकड़ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो खाली बैठने वाले लोगों के काम है। अरे यार क्या करूँ यार, मेरा बहुत फिशिंग का मन कर रहा है, लेकिन यार मैं कहीं नहीं जा पा रहा। अरे क्यों फ्रैंकलिन भैया, ऐसी क्या बात हो गई कि आप कहीं और नहीं जा रहे, अपने ही स्विमिंग पूल में मछलियां भर के फिशिंग कर रहे हो यार? अरे यार मैं तुझे नहीं छोड़ के जा पा रहा ना, तू यहाँ पर घर पर अकेला कैसे रहेगा? अरे कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ बाहर फिशिंग पर। ठीक है ठीक है, पर तू एक बात बता, तू पानी के अंदर क्यों कूद गया? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं पानी के अंदर इसलिए कूदा था ताकि मैं मछलियाँ देख पाऊँ। तो फ्रैंकलिन भैया, देखता हूँ कितनी मछलियाँ आपने डाली है पानी के अंदर। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपने तो सचमुच स्विमिंग पूल के अंदर मछलियाँ डाली है यार, ये तो काफी सारी मछलियाँ है। आपकी फिशिंग रॉड कहाँ है? जल्दी से पकड़ो ना इन्हें। अब जरूरत नहीं है यार सबकी, जल्दी से चल, तू आजा बाहर, चल फिशिंग करने के लिए चलते हैं बड़े से समुद्र में। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ठीक है चलो आ जाओ। आप अब तक फिशिंग क्यों कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ ना यार। आ रहा हूँ शिनचैन यार, जल्दी से चल, मेरी बाहर बाइक खड़ी है, तू चला गया मैं चलाऊं? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे चलाने का मौका दो ना यार, मेरी मम्मी कभी भी चलाने का मौका नहीं देती। अच्छा तू वैसे इतना 5 साल का छोटा सा तो है, तू क्या बाइक चलाएगा? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, लेकिन मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टंट मार सकता हूँ, बस मेरे टैलेंट को कोई स्टेडियम नहीं मिला। अरे स्टेडियम नहीं यार, स्टेज होता है, मंच होता है। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया वही। अरे फ्रैंकलिन भैया, यही है क्या आपकी बाइक? हाँ यही वाली है, चला ले तो चलाएगा था। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से बैठता हूँ बाइक पर। ये कैसे बैठा है भाई, तू घुस के ऐसे ही चलाता क्या बाइक? हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया, क्या करूँ, मैं जब बाइक के ऊपर बैठा हूँ तो मेरे पैर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मुझे ऐसे ही लंगड़ी करके बाइक चलानी पड़ती है यार। अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, चला तो रहने ऐसे कंफर्टेबल तो तू है ना? अरे हाँ हाँ भैया, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसे बाइक चला सकता हूँ, अब बस देखते जाओ ना यार। अब बस बताओ हमें जाना कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे हमें जाने का है यार। जाना कहीं नहीं है, वो समुद्र के किनारे चले यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वहाँ पर एक कहते हैं कि बहुत ही बड़ी शार्क आई है, तो उसे यार पकड़ने चलना है। पता नहीं कितनी बड़ी शार्क है यार, बहुत ज्यादा खौफ फैला हुआ है लोगों में। फ्रैंकलिन भैया, इतनी खतरनाक शार्क आई है क्या? अभी उस शार्क को जाकर मुझे चखाते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहा है, वहाँ पर तो डर के भागते नहीं जाएगा ना। अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या बात कर रहे हो यार, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा जी चल, फिर तो वहीं पर जाकर पता चल जाएगा। वैसे तूने इतनी अच्छी बाइक चलानी कहाँ सीखी? अरे फ्रैंकलिन भैया, कहीं से नहीं, बस अपनी मॉम से। मेरी मॉम स्कूल छोड़ने जब जाती थी तो इसी तरीके से बाइक चलाती थी यार। अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, अभी फटाफट से यार निकाल ले वहीं के लिए। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, बिना किसी देरी के निकल लेता हूँ मैं सीधा वहीं के लिए जहाँ पर हमें मछलियाँ मिलने वाली है यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, लगता है कि हम लोग आने वाली हैं। हाँ हाँ यार सही कह रहा है, यहाँ से बस हमें थोड़ा सा आगे से राइट लेना है और फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सीधा समुद्र के पास। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, यहाँ से मैं राइट लेता हूँ, जल्दी से निकलते हैं। वैसे फ्रैंकलिन भैया, आप इस शहर में कितने सालों से रह रहे हो यार? मैं यहाँ से काफी सालों से रह रहा हूँ और मेरा खौफ भी है। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, क्या आपके शहर में खौफ है? कोई नहीं, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अभी कहाँ चलना है फ्रैंकलिन भैया? यहाँ से बस यार लेफ्ट ले ले, लेफ्ट और सीधा ले ले, बस सामने की तरफ आ गया समुद्र। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हम तो बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुँच गए। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो क्या है सामने? वो चलकर देख ले यार, तू खुद ही चलकर देख ले, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा अगर वहाँ चलेगा तो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, वही ले चलता हूँ अपनी बाइक, लेकिन वहाँ पर ले कैसे जाऊँ? अरे सीधा सीधा ले चल, सामने से सीढ़ी आएंगी, वहीं से ऊपर ले लियो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, वो सामने रही सीढ़ियाँ, जल्दी से चलते हैं इसके ऊपर। वैसे फ्रैंकलिन भैया, ये कौन सी जगह है? ये बस ऐसे ही मान ले कि बस पिकनिक वगैरह के स्पॉट है,
एक तरीके से यहाँ पर झूले वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह झूलने आते हैं, यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर का काफी अच्छा सेलिब्रेशन वगैरह सब होता है। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, ये तो काफी अच्छी बात है, हैप्पी न्यू ईयर पर हम यहीं पर आएंगे। तू तब तक हमारे साथ रहने वाला है? अरे हाँ, हाँ, फ्रैंकलिन भैया आपका साथ में इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है चल। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे पानी के अंदर फिशिंग करने जाना है यार। ठीक है नीचे से बोट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिशिंग पर। तू ये पहले ही बता देता यार फिशिंग करनी थी तो हम ऊपर आते ही नहीं, नीचे से ही बोट लेकर चल लेते। कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, वापस से ले चलता हूँ बाइक को यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है यहाँ से बस सीढ़ियों से उतार ले नीचे की साइड। ठीक है फ्रैंकलिन भैया जल्दी से चलते हैं यार नीचे की साइड। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें बोट कहाँ मिलेगी? अरे इधर देख ले यार, इधर की साइड वो तो रही सामने की तरफ बोट। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, अरे वो देख पीली काली लाल। अच्छा हाँ फ्रैंकलिन भैया ये सब तो सब बोट है, जल्दी से इस मोटर कोट पर बैठते हैं। अरे मोटर कोट नहीं यार, मोटर बोट। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया वही मोटर बोट, जल्दी से बैठते हैं यार। ठीक है पहले तू चल, मैं पीछे फिशिंग करूंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन मैं तो इसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा यार। कोई नहीं तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तुझे चढ़ा देता हूँ गोदी में टांग के। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बोट पर चढ़ा दिया, अब भी आ जाओ ना यार पानी में क्यों खड़ी हो। आता हूँ यार एक मिनट, ये पानी थोड़ा गीला हो गया, ये झाड़ लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं बोट को चलाऊं क्या? अरे हाँ हाँ यार बिल्कुल चला, टेंशन का बात की है। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं जल्दी से अभी बोट को चलाता हूँ यार। देखो फ्रैंकलिन भैया मैं एकदम मस्त तरीके से बैठ चुका हूँ और बोट को स्टार्ट करके यार पानी के अंदर लेकर चलती है। बस फ्रैंकलिन भैया आप गिर मत जाना। ठीक है यार मैं एकदम बड़े तरीके से खड़ा हूँ, गिरने नहीं वाला इतनी आसानी से, थोड़ी तेज भगा यार सिंचन। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया समुद्र के बीच में लेकर चलता हूँ अपनी बोट को। ठीक है ले चल आराम से। देखियो भाई साहब जहाँ पर ज्यादा मछलियाँ दिखे वहीं पर रुकियो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया चलते हैं आगे। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर भी एक बोट है, लेकिन इसके ऊपर के लोग कहाँ गए? पता नहीं शिनचैन यार, कहीं कोई मछली वछली खा तो नहीं गई ने? अरे पता नहीं फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पर क्या पता कोई मछली हो यार। अरे फ्रैंकलिन भैया अब कहाँ जाए मछली पकड़ने? अरे यार यहाँ तो कहीं मछली नहीं मिल रही, मुझे लगता है उधर की साइड ही मछली होगी जहाँ से हम आए हैं। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया। अरे शिनचैन जरा तुझे तैरना आता है क्या? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे तैरना आता है यार। तो एक बार जरा पानी के अंदर देखियो जरा मछली वगैरह है क्या यहाँ पर। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया अभी देखते हूँ, वैसे भी इधर कोई बड़ी मछली का खतरा भी नहीं है, अभी देखते हूँ फ्रैंकलिन भैया चलो पानी के अंदर। आराम से जाइए शिनचैन। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, क्या अब भी डरती रहती हो यार, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से तैरना आता है, अब बस देखते जाओ मैं क्या कमाल करके दिखाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर होती तो वो देखकर खुश हो जाते यार, यहाँ पर तो काफी सारी मछलियाँ हैं यार। देखो गाइस यार मुझे काफी अच्छे से तैरना आता है, मैं कितना मस्त तैर रहा हूँ यार। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी शार्क है यार। गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक कितनी बड़ी शार्क आ रखी है, और ये जिंदा है कि मर गई? मुझे गाइस यार यहाँ से निकलना होगा और फ्रैंकलिन भैया को बताना होगा। गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो पीछे की साइड कितनी बड़ी शार्क थी वो, मैं गाइस यार यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से यार, कितनी बड़ी शार्क है ये। फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ, फ्रैंकलिन भैया कहाँ चली गई? अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ ना यार। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ हो, मैं तो बच गया उस शार्क से। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या आप यहाँ पर फिशिंग की प्रैक्टिस कर रही हो? मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर पानी के अंदर बहुत ही बड़ी शार्क आई है। क्या बात कर रहा है यार, झूठ क्यों पका रहा है? नहीं देखना अंदर तो बता दे यार, मैं खुद जाकर देख लूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया आप खुद जाकर देख लो वहाँ पर कितनी बड़ी शार्क आई है। अच्छा ऐसी बात है, रुक जा भी जाकर देख कर आता हूँ मैं। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ चली गई? अरे शिनचैन यार तू सही कह रहा था, बहुत ही बड़ी शार्क आई है यार अंदर, मैं तो देख कर दंग रह गया यार उसे। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से भागो, अपने लॉस सैंटोस को इस शार्क से बचाना होगा और खुद को भी। अबे हाँ यार आ रहा हूँ जल्दी से, रुक जा आ रहा हूँ, दौड़ कर आ रहा हूँ यार तेरे पास।
और क्या करे यार हम अब उस शार्क का यार, अब लॉस सैंटोस को कैसे बचाएं, इतने सारे लोगों के बोलेंगे तो यार भगदड़ मच जाएगी यहाँ पर। अरे फ्रैंकली भैया यहाँ पर भगदड़ तो मच जाएगी, साथ में वो शार्क भी इधर आ सकती है, अब लॉस सैंटोस का क्या होगा? पता नहीं यार, अब तो पता नहीं क्या होगा। फिलहाल तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, और साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन प्रेस कर देना ऐसी कुछ मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और गाइस इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाला है, जिसमें यार हम लोग इसे डराएंगे और इस शार्क को खत्म करेंगे। फ्रैंकलिन भैया आप इतना मत डरो, हम कुछ ना कुछ उसका कर ही लेंगे। ठीक है यार ठीक है, नहीं डर रहा मैं, लेकिन यार वो शार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, तू कुछ कर तो लेगा ना उसका उपाय? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया चिंता मत करो। फिलहाल तो गाइस यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यार।